सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड क्षेत्र के भवदेवपुर पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर गांव में शुक्रवार के रोज हो रहे भारी वर्षा के दौरान दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि एक साथ बारिश के दौरान खेल रहे 3 बच्चे मौत के मुंह में समा गए। जानकारी के मुताबिक भवदेवपुर पंचायत के इस्लामपुर गाँव वार्ड संख्या 9 निवासी मोहम्मद हासिम शाह के 9 वर्षीय पुत्री जैनम खातून व 5 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इनायत व 2 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फैजान बारिश के दौरान घर के समीप खेल रहा था। इसी बीच पुराना जर्जर दीवार बच्चे के शरीर पर गिर पड़ा और इस दौरान तीनों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मृतक के परिजन में कोहराम मचा हुआ है। मासूम बच्चे के पिता मोहम्मद हासिम हाल ही में प्रदेश काम करने के लिए गए थे। सभी पुत्र एवं पुत्री माँ के साथ घर पर ही रहा करती थी। शुक्रवार के रोज हुए भारी बारिश में एक साथ 3 बच्चों की जान चली गई है। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना अध्यक्ष संजय कुमार दलवल के साथ मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे न्यूज बिहार के लिए सीतामढ़ी से अनिश अग्रवाल की रिपोर्ट। सूचना मिली कि दीवार गिरने से 3 बच्ची का मृत्यु हो गई। हम लोग ये 3 बजे बता रहे हैं। कितने बजे? जे 3 बजे हम लोग दूसरी जगह थे थाना प्रभारी के साथ, और जैसे ही सूचना मिला हम लोग तुरंत आ गए हैं। तो सर सरकार की तरफ से क्या मांग? सरकार से तरफ से अभी तुरंत हम 20,000 का चेक देंगे और मुखिया देंगे 3,000। उसके बाद इसका अभिलेख बन के जाएगा जिला, तो तीनों को 4,00,000 के हिसाब से मतलब राशि मिलेगी। आपदा विभाग से भी कुछ? आपदा विभाग ही जाएगा वहाँ रिकॉर्ड, अभी आपदा विभाग ही जाएगा। तो क्या उसकी राशि होगी सर? 4,00,000। चाचर लाख मामला ये दीवार के नीचे दब गया है बच्चा। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। क्या नाम था? एक लड़की है जैना, और फैजान अयान लड़का था। कितने बजे घटना है? 3 बजे। कितनी उम्र है? उम्र कितना होगा? 9 साल है। किसी लड़की का 9 साल है जैनब का? 9 साल है। 5 साल एक 5 साल है, एक 2.5 साल। टोटल कितने बच्चे दबे हैं दीवार? 3 बच्चे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे क्या? खेल रहे हैं जी। दीवार में खेल रहे थे? बाहर खेल रहे थे दीवार के बाहर। क्या नाम है इनके पिता का? मोहम्मद हासिम शाह। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आलम शाह। घर कहाँ हुआ? इस्लामपुर। अच्छा, क्या मांग है आप लोग की अभी? अभी हम क्या मांग करें? सरकार से कोई मांग है क्या? क्या मांग करते हैं? क्या हम लोग का कुछ मिला नहीं है, नई रोड है इधर आने के लिए, रास्ता नहीं है। थोड़ी थी बच्चा निकला घर से बाहर, जैसे निकला बगल में गए साइड में, वो दीवार गिर गया और तीनों का उसी समय मतलब डेड स्पॉट हो गया, उस समय मर गया बच्चा। और उसके बाद क्या उसको निकाला, आनंद फानंद में सब लोग आए निकाल के इधर रखे हैं। उसके बाद अधिकारी को फोन किए, वो लोग भी आए हैं। अभी मुखिया जी को तो पता ही नहीं है कहाँ है वो। और उसके बाद सरपंच साहब कहाँ हैं? साइड में है ना खड़े, वो भी उधर ही हैं। और उसके बाद जो इनका होना चाहिए सरकारी मुआवजा, जो इनका घर के लिए जो मतलब निकाले, और यहाँ पे सीओ साहब हैं वो अपना करे, इसका मतलब पुष्टि करे क्या मिलना चाहिए नहीं मिलेगा वो बताएं। आप कौन होंगे? मतलब हम गांव के ही हैं, उनको भाई लगेंगे, लड़का जो भी मृत्यु हो गया उसके भाई लगेंगे। अच्छा, क्या तीनों एक ही परिवार के? तीनों एक ही परिवार के हैं, एक ही माँ बाप के बेटे हैं। दो बेटा है, एक लड़की है। अच्छा, दो लड़का एक लड़की है? जी जी, एक ही परिवार का। एक ही पर। क्या नाम? लड़का एक 2.5 साल का है, 5 साल का है, और लड़की 9 साल। क्या नाम इनके पिताजी का? हासिम शाह नाम। कहाँ का है इनका? इस्लामपुर। तो क्या कोई मांग है सरकार? मांग है कि जो जिला प्रशासन से ही मांग है कि उनका जो मुआवजा है, उनका हक है, जो गरीबी का जो सरकार जो देते हैं वो अपना मिलना चाहिए उनको। और ये नहीं कि मतलब विकलांग भी है, इनका फादर विकलांग है, दोनों हाथ से काम का मतलब नहीं है, और एकदम मजदूर है, उसका इलाज भी चल रहा है, मतलब अपना इधर उधर से अपना किसी तरह दाल रोटी चलाता है, गरीब आदमी है कोई, तो ये नहीं है कि मतलब इस तरह है। और मुआवजा आपका क्या मिलेगा नहीं मिलेगा? इंदिरा आवास में तो नाम आकर कट जाता है, क्या कहा जाएगा यहाँ का मतलब सिस्टम।